नमस्कार, आप देख रहे हैं साइन न्यूज सीरीज। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं पटना के संस्कृति में हूं, संस्कृति हॉल है यहां का। और हमारे साथ भोजपुरी के एक अच्छे कलाकार हैं, कलाकार भी आप बोल सकते हैं, और साथ ही भोजपुरी में डायरेक्टर को डायरेक्टर जो रोल होता है भोजपुरी के, ऑन कैमरा तो लोगों को आप देखते ही हैं लेकिन ऑफ कैमरा के जो लीडर होते हैं वो हैं, जिनका नाम है पंकज सोनी जी। हाँ, परिचित होंगे आप इस नाम से, हमारे साथ पंकज सोनी जी हैं। आइए आज हम उनसे बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर, क्या कुछ चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप भी रूबरू हैं, कितना तहलका मचा हुआ है। पंकज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और जितने भी हमारे लाइव लॉन्ग न्यूज़ हैं और साइन न्यूज़ की तरफ से सबको प्रणाम, सारे लोगों को दिल से प्रणाम। अच्छा पंकज जी, ऑन कैमरा तो सब जानते हैं कि चीज़ें क्या होती है, क्योंकि वो कैमरा में दिखती है, वो तो कैमरा एक्शन मतलब बोलने के बाद प्ले किया जाता है। ऑफ कैमरा आप लोग काम करते हैं, असलियत क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्वेश्चन कुछ नया है, अच्छा लगता है जब ऑफ कैमरे की बात आती है ना, तो उसमें हम लोगों की बात आती है जी। अभी तक जब भी स्क्रीन के सामने कुछ आता है उसकी बातें होती है, स्क्रीन पे ये अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छा लगा, ये अच्छा वीडियो हुआ। बट जब ऑफ कैमरे की बात आती है, जो बैक कैमरा की बात आती है, बैक कैमरा में हम लोग आते हैं, जिसमें हमारे कोरियोग्राफर, हमारा कैमरामैन, हमारा यूनिट का हर एक मेंबर, साउंड बजाने वाले से लेके एक स्पॉट बॉय तक सारे लोग आते हैं। और उन लोगों का सबसे ज़्यादा मेहनत होता है ऑन स्क्रीन पर किसी गाने को या किसी फिल्म को लाने के लिए। तो उन लोगों का मेहनत, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो समझिए कि उनका मेहनत बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो यही एक है, अगर वीडियो नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वीडियो अच्छा होता हो, कोई भी वीडियो अच्छा हो, तो उसके बैकबोन जिसको बोलते हैं, जो कैमरा के बैक में रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है और बहुत अच्छा वर्क करते हैं, तब जाकर एक अच्छा वीडियो हो पाता है। अच्छा पंकज सोनी जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि ऑफ कैमरा जो होते हैं उनका बहुत बड़ा मेहनत होता है। कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा क्यों नहीं देखा गया है कि जो ऑन कैमरा जो सबके चहेते बने होते हैं और उनके पीछे जिन लोगों की मदद होती है, कभी गलती से उनका जिक्र क्यों नहीं वो लोग करते हैं? अब देखिए बताता हूँ, एक ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब आप समझ रहे हैं कि आप एक शब्द बोल दिए कहीं भी तो आप आज के डेट में न्यूज़ पे क्या हो सकते हैं, कहाँ से कहाँ बात चली जाएगी। बट ये उनका सोच है, नहीं लेते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि शायद पटना के लोग जब जो कैमरे के पीछे काम करते उनका ही नाम नहीं लिया जाता है, बाकी हर जगह के लोगों का नाम लिया जाता है। अगर आप अगर आप बॉम्बे में कोई शूट करते हैं तो उसके एक कोरियोग्राफर कैमरामैन से लेकर उसका DI किसने किया उसका तक नाम होता है, बिल्कुल दिया जाता है। हाँ, और दिया जाता अगर ये भी होता है, जैसे कि कोई भी गाना अगर शूट होता है तो शूट होने के बाद गाने का उसको क्या बोलते हैं, जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन में स्पेशली वो लोग जिक्र करते हैं कि आज उनकी वजह से हमने ये गाना दिया जिसकी वजह से आज हमारा गाना इस पोजीशन पे है। लेकिन ऐसा यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री में क्यों नहीं देखी जाती? पता नहीं, हमारे बिहार का माटी का ये आवाज़ है, भोजपुरी भाषा है, हमारे यहाँ का भाषा है। बट यही एक संयोग कहा जाए कि ये चीज़ बाहर में लोगों को, बाहर के लोगों के साथ अच्छा लगता है, लेकिन हमारे साथ ये चीज़ शेयर करने में लोगों को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, जैसे कि इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया, जैसे कि अभी लोग हिंदी वाले के साथ गाना बना रहे हैं, हाल ही में पवन सिंह जी ने भी बनाया सोनू निगम के साथ, खेसारी लाल यादव ने भी बनवाया बादशाह के साथ, तो आज वो कह रहे हैं कि हमने उनके साथ बनाया, उनका चेहरा आगे रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे पहले जिसकी वजह से आप जाने गए उसके पीछे भी तो कोई ना कोई होंगे, जिनकी वजह से आपका ब्लॉकबास्टर गाना मार्केट में आया, जिसकी वजह से आज आप हिट हैं और जिसकी वजह से आज आप सुपरस्टार कहे जा रहे हैं। कभी आपने ये क्यों नहीं बताया कि हाँ ये पंकज सोनी जी हैं जिनके साथ हमने काम किया, ऐसा क्यों नहीं? ये दुर्भाग्य है, आज से 20 साल पहले हम लोग को बॉम्बे में स्ट्रगल करना चाहिए ताकि यहाँ की इंडस्ट्री ना स्टार्ट होती, ना कोई सिंगर आगे बढ़ता, ना बॉम्बे जाता। हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम लोग यहाँ स्टार्ट किए हैं, हम लोग बॉम्बे में रहते ना तो ज़्यादा अच्छा। जितने टेक्नीशियन है, जो पुराने टेक्नीशियन है जिन्होंने शुरू से मेहनत किया है और आज वो अपना आंखें खोल के देख रहे हैं कि भाई कोई तो आए उधर से कहे हम लोग को कि ये बड़ा वीडियो बनाओ, ये कुछ अच्छा बनाओ, यहाँ का दुर्भाग्य है और कुछ नहीं है। कि दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग बॉम्बे में क्यों नहीं पैदा लिए, बॉम्बे में पैदा लेते तो शायद वो भी अच्छे वीडियो बनाने का एक हकदार होता है। पंकज जी, आपने बहुत सारे कलाकारों के साथ काम किया, सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल किन के साथ फील किया आपने अभी तक में? सबसे ज़्यादा कल्लू जी, नीलकमल जी और खेसारी भैया, सबसे ज़्यादा तीन लोग के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहा, जो बड़े स्टार में है। अंकुश जी भी बहुत अच्छे कॉपरेटिव माइंड के आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, खास करके कल्लू जी बेस्ट, मतलब
एक कुछ ज़्यादा ही लगाव है उनसे। जब भी मिलते हंसते खेलते, कब काम निकल जाता है, 4-5 दिन का शेड्यूल रहता है, 5-5 दिन निकल जाता है लेकिन पता नहीं चलता कि शेड्यूल खत्म हो गया। पंकज सोनी जी, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अभी जो विवाद भोजपुरी में चल रहा है, कहीं ना कहीं वो दर्शकों को जातिवाद में बांट रहा, सही है क्या ये चीज़ें? कलाकार का कोई जाति नहीं होता, ये हकीकत है। कला का कोई आकार नहीं होता, कलाकार जो नाम बनाए ना उसका कोई ना का आकार होता है ना कोई जात पात होता है, सिंपल सी बात है। कलाकार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहते हैं। एक हंसते वाले को भी कलाकार कहते हैं, एक रोते वाले को भी कलाकार, तो किसको कहिए कि इस जाति रो रहा है कि कौन जाति हंस रहा है? कुछ नहीं, कलाकार का कोई जाति नहीं होता और कोई आकार होता ही नहीं, बिना आकार का होता है। एक पानी होता है, आप लोटा में डालो तो लोटे का आकार का, और एक पीतल के क्या बोलते हैं उसको, भगोने में डालो तो भगोने का आकार का, एक ग्लास में डालो ग्लास के आकार का। तो कलाकार का कोई आकार नहीं होता, ना कोई जाति होती। ये क्यों फैलाया जा रहा है, जातिवाद क्यों फैलाया जा रहा है दर्शकों के बीच में, बांटा क्यों जा रहा है उनको? अब ये फैन लोगों का प्रॉब्लम है, सच्चाई बताऊं। अभी खेसारी भैया जिंदाबाद, पवन भैया जिंदाबाद, खेसारी भैया जिंदाबाद, ये आपसी द्वंद्व उनके फैन लोगों का है, उन लोगों का कोई द्वंद्व नहीं है उन लोगों का, जहाँ तक मुझे लगता है। आज तक दोनों बड़े भाई छोटे भाई की तरह मिलते रहे हैं, हमेशा मिलते रहते हैं। अच्छा, तो एक केवल ये द्वंद्व जो है ना, ये छोटा छोटा एक न्यूज़ फलना ढिकना, अभी क्या है, एक न्यूज़ बना देगा, मुंह में ऐसे लगा के निकाल देगा और उसमें लिख देगा कुछ उल्टा, कैप्शन लिख देता है, बहुत गंदा वाला बात है वो सबसे ज़्यादा द्वंद्व कराता है। अच्छा, क्योंकि बहुत लोग अनपढ़ गंवार है, पूरा न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, तो लोग कैप्शन देखा, अच्छा इसने बोला, भाई लाइव आ गया, फेसबुक का जमाना है, चालू हो जाते हैं वहीं से। अच्छा, लाइव आने से ही पॉपुलर अगर होना है तो फिर कला का क्या रोल है इन लोगों? कोई रोल नहीं है, लाइव आके नहीं, सारे कलाकार लाइव आके स्टार्ट नहीं होंगे। बॉलीवुड में, साउथ में भी, हमारा बिहार और यूपी छोड़ के जितनी भी इंडस्ट्री उठा लो आप, बिहार में ऐसा नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में भी इंडस्ट्री है उनका अपना पर्सनल, साउथ में तो है सिर्फ यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे जो ये चीजें सबसे ज्यादा देखी जाती है, छोटा सा छोटे मैटर पे लोग लाइव आके मतलब बोलना चालू, ये शोभा देता है क्या बड़े कलाकार? बहुत खराब लगता है। सबसे बड़ा चीज एक होता है ना, इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री एक होता है बाप का होता है, माँ बाप का एक आसरा होता है, एक छत होता है। हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ यही है कि हमारे पास इंडस्ट्री है, हमारा इंडस्ट्री कहाँ है, तो बॉम्बे में है, हिंदी। जितना मेहनत ये लोग लाइव आकर आपस में लड़ने के लिए करते हैं, उतना मेहनत अगर इंडस्ट्री की मांग के लिए बिहार सरकार से या केंद्र सरकार से करते तो शायद अब तक आ चुकी होती। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, यहाँ से काम करने के बाद आप बाहर चले जाते हैं, आप बहुत सारे जगह चले जाते हैं, टेक्नीशियन भी बहुत सारे टेक्नीशियन हैं जो बिहार के हैं, जैसे प्रिंस भी आए कैमरा। कभी हमने ये नहीं देखा है सारे कलाकार मिलके कि लड़ रहे हैं कि हमको इंडस्ट्री चाहिए, हमको सब्सिडी बिहार में चाहिए, ऐसा नहीं देखा हमने। उसके लिए कभी नहीं तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ से जाकर बाहर में इंडस्ट्री बसा देंगे, बाहर में काम होता है, यहाँ जो भी है जैसा है उसे चलते रहना चाहिए, यही है। मतलब एक सहयोग भावना कभी भी बिहार की इंडस्ट्री के लेकर किसी का भी नहीं रहा कि बिहार में भी इंडस्ट्री हो। अच्छा, एक चीज़ और पंकज सोनी जी, आप जो बहुत सारा को डायरेक्ट मतलब डायरेक्टर का भी काम करते हैं, ज़रूरत पड़ने पे कोरियोग्राफी भी कर देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि बिहार की ही स्टोरी उठाकर जितने भी इंडस्ट्री है, आप साउथ ले लो मतलब बॉलीवुड ले लो, इतने इतने ब्लॉकबास्टर मूवी बनाते हैं, गंगा जल हो गया आपका, इससे पहले गैंग्स ऑफ वासुपुर हो गया, जितनी भी बिहार पर बनी है, हाल ही फिलहाल में सुपर 30 बनी है, जितनी भी बनी है ब्लॉकबास्टर रही है, आप लोगों को ऐसी कहानियाँ मतलब जब इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे पास खुद तो फिर उन कहानियों को कभी क्यों नहीं आप लोग मजबूती देते हो और बेफालतू की छोटी छोटी कहानियों के पीछे? यहाँ पे प्रोड्यूसर का भी बहुत बड़ा अहम भूमिका है इन चीज़ों पे, इन विषय पे। यहाँ फिल्में आज प्लान हो और अगले 3 महीने में सिनेमा हॉल में चाहिए, पैसा इतना पड़ा हुआ है, बस झोंक देना है, मतलब 3 महीने में आपको फिल्म कंप्लीट होना है। अभी क्या है ना, जब भी बॉम्बे में या जो भी पढ़ लिख के जो एक इंस्टीट्यूट से पास आउट आते हैं और एक बड़े लेवल से उन्होंने शोध किया होता है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके काम पे वर्क पे फोकस किया होता है, तो वो हर कहानी के तह तक जाते हैं कि क्या हो सकता है, हर पहलू के, हर सिक्का के 2 पहलू होते हैं, लेकिन हर कहानी का, हर स्टोरी के 20 तरह से उसको दिखाया जा सकता है, 500 तरीके से दिखाया जाता है, अलग अलग नज़रिया होता है, जितने लोग हैं एक स्टोरी को अलग लोग अलग अलग नज़रिया से देख सकते हैं, जितने लोग हैं दुनिया में अलग, शायद ही किसी का मैच करे तो करे। अभी क्या है, कौन सा अच्छा बन के आएगा यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट रखता है, अब ये इम्पोर्टेंट रखता है, इसका शोध होना चाहिए, यही शोध नहीं होता। यहाँ फिल्म आज प्लान हो और अगले 3 महीने में रिलीज होना चाहिए, तो इसके लिए कुछ आप लोगों की कोई पहल, कोई कोशिश? हम लोग बहुत छोटे लेवल पर, हम लोग पहल करके भी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बहुत छोटे लेवल पे हैं। बिहार की इंडस्ट्री का एक डायरेक्टर भी आज खुल के बोलता है, मेरे भी 8-10 गाने अच्छे रहे हैं, बहुत सारे गाने बनाए मैंने, आज 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन हम लोग आज भी बहुत छोटे लेवल पे हैं, हम लोग को वैल्यू नहीं मिलता आज के। क्यों, क्या रीज़न क्या है?
क्या लगता है आपको इसके स्टारडम मतलब ऑन कैमरा अगर आज होते आप तो शायद आप भी स्टार होते मे बी हो सकता है हाँ, हो सकता। तो क्यों नहीं ऑन कैमरा ही आ जाइए फिर क्या जरूरत है मेहनत करने नहीं की? बड़ा मेहनत करके 20 साल में काम सीखा है कैमरा का चाहता हूँ इसको और सीखूं और आगे बढ़ूं इसी में पढ़ूं तो ज्यादा अच्छा है इसमें मजा आता अच्छा, है एक दो सवाल और पूछना चाहूंगी अगर आप जवाब देना चाहेंगे तो सही है नहीं देना चाहेंगे ये आप पे डिपेंड करता है मुझे कुछ जानकारी मिली है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पीछे जो भी स्टार हैं चाहे जो भी कलाकार हैं उनके कुछ गलत काम होते हैं मतलब गलत कामों को वो अंजाम देते हैं एक चीज बताता हूँ क्या सच्चाई है इसमें पहचान कभी भी गलत कामों से नहीं होती है अगर गलत कामों से होती तो गलत काम ज्यादा उजागर होता अच्छा काम उजागर ज्यादा नहीं होता जिसका तराजू का दो पल्लू एक चलिए गलत है एक सही है लेकिन आपको सही पलड़ा ज़्यादा भारी लगता है तो गलत कहाँ है कुछ भी गलत नहीं ये अफवाह है बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कुछ भी गलत नहीं है जो है सब ईमानदारी से काम करते हैं और बहुत मेहनत करके काम करते हैं खेसारी भी अभी उतना ही मेहनत करते हैं पवन भी अभी उतना ही मेहनत करते हैं और बाकी रितेश पांडे जी भी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं अभी क्या सबका एक टाइम पीरियड होता है सबका एक 5 साल आता है समर सिंह जी भी एक छोटी इंडस्ट्री में तो है ही ना बहुत बड़े लेवल पे है तो सबका एक टाइम पीरियड आता है 5 साल 7 साल 10 साल का एक टाइम पीरियड आता है जैसे किसी ज़माने में अब राजकुमार चलते थे संजीव कुमार चलते थे उनका टाइम गया सलमान खान है शाहरुख खान है बहुत सारे स्टार हैं तो जस्ट लाइक ये होता है एक टाइम पीरियड होता है 10 साल का एक टाइम पीरियड होता है 5 साल का एक टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के दौरान वही स्टार होते हैं लोग उनको पसंद करते हैं अभी जो पंकज जी विवाद चला है उसमें ज़्यादा सही कौन है और ज़्यादा गलत कौन है मैंने बहुत ज़्यादा देखा नहीं है विवाद मैं शूट आउट ऑफ बिहार था नेपाल में थे शूट पे हम उसके आगे सवाल से बचने के लिए नहीं 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 हम सही में नेपाल थे हम 2 दिन पहले आए हैं नेपाल से मेरा गाने एक आने वाला है बहुत अच्छा बियर बार का नेपाल में शूट करने गए थे हम लोग क्योंकि बिहार में तो बियर बार है नहीं पता है तो नेपाल में शूट करने गए थे बहुत प्यारा गाना बना तो हम लोग शूट करने के लिए नेपाल गए थे हम 6 दिन पे नेपाल से लौटे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा उस समय विवाद का है भी नहीं नेपाल में थे न्यूज़ तो देखा था मैंने कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ आ रहा है अब उस पर जिस दिन शोध करे आदमी उसी के बारे में बता पाएगा क्या है क्या नहीं है अच्छा कुछ बड़ा कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है क्या आपका हाँ अभी कुछ न्यू सिंगर्स का स्टार सिंगर्स तो अभी नहीं कोई भी बड़ा एक खेसारी जी का गाना आने वाला था अभी पता नहीं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा शायद वो चल रहा है उनके ऊपर वार चल रहा है वो कम्युनिटी का कॉपीराइट का चल रहा है कुछ खेल एक गाना शूट करके रखा हुआ अन्नपूर्णा फिल्म्स का तो शायद पता नहीं आता है कि नहीं आएगा हाँ एक चीज़ और इंडस्ट्री में है कि लोगों का कहना है कि लोग छोटे कलाकार को आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहते अगर आप के साथ ऐसा सिचुएशन है आपके साथ कोई कलाकार जुड़े तो है मुझे तो आप लगता क्या है कि छोटे कलाकारों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता लगता मुझे भी ऐसा है बाकी देखिए जो बढ़ना चाहेगा उसको बढ़ेगा ही भले ऐसे कोई निकल रहा है ऐसे करके ऐसे निकल जाए कोई रोक नहीं सकता किसी का किस्मत किसी ने नहीं लिखा है ना किसी ने देखा है कब कौन आगे बढ़ जाए लेकिन कोशिश की जाती है रोकने की मतलब दबाने की कोशिश हाँ दबाने नहीं मुझे एक चीज़ से बड़ा प्रॉब्लम है कॉपी गाना कॉपी करने का कोई भी छोटा सिंगर गाया कोई भी सिंगर उठा के गा देता है वो बुरा लगता है बाकी दबाना कुछ नहीं होता है पब्लिक का प्यार आप ना छीन सकते हैं अब कोई हमारे माई बाप का प्यार हमसे छीन सकता है नहीं छीन सकता है ना पब्लिक जस्ट लाइक एक माँ बाप है एक गाने के लिए और उसका प्यार कोई नहीं छीन सकता है बट एक होता है ना कि मैंने कुछ गाया थोड़ा बहुत अभी पकड़ा ही नहीं अभी अब हम पता चल रहा है कि 10 कट्ठा बेच कर 5 साल से गा रहे हैं एक आध बीघा बिका गया है अभी 5 कट्ठा और बिका और अच्छा गा रहे हैं सीखे भी हैं जब उनका और एक गाना थोड़ा सा मार्केट में पकड़ा और उसको कोई गा देता तो उस समय उस सिंगर को बहुत दुख लगता होगा वो चीज़ बुरा लगता है मुझे जी ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा अच्छा अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस या फिर बेस्ट कोई सीन याद दिलाइए जो आपने किया हो अपने इस 20 सालों में किन्हीं के साथ भी हो फर्स्ट एल्बम छोटे बच्चों को लेकर था वो था लागेला निकला गेला मैया के बिंदिया लीलाल बड़ा अच्छा, निकला हाँ। अंजलि भारद्वाज जी का बहुत प्यारा वो मुझे हमेशा ज़िंदगी भर लाइफ टाइम तक याद रहेगा क्योंकि मैंने 2 दिन तक छोटे छोटे बच्चों के बीच में रहा था और उसका जो नौटीपन था जो भी था जबरदस्त वाला था तो वो 2 दिन और वो गाना बड़ा मेहनत से बनाए थे हम लोग 2008 का है शायद वो 2008 में वो गाना बहुत बड़ा लेवल पे ब्लास्ट हुआ था मेरा फर्स्ट एल्बम ब्लास्ट हुआ था तो मुझे भी बड़ा खुशी हुई थी तो वो लाइफ में कभी नहीं भूलने वाला वो बच्चों के साथ 2 दिन पूरा गुजारना पूरा डे पूरा नाइट पूरा डे पूरा नाइट 2 दिन जो गुजारा गया वो बहुत मज़े वाला था वो लाइफ का सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग पल था
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने हमें अपना ये समय दिया। और मैं दर्शकों से कहना चाहूँगी कि ऑन कैमरा की चीज़ें तो आप हर जगह देख सकते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा क्या होता है वो आज हमें पंकज जी ने बताया, और आपने भी सुना क्या कुछ बताया क्या है ऑफ़ कैमरा के पीछे, कितनी मेहनतें होती हैं इन लोगों की, लेकिन लोग उन्हें सराहते हैं और उन्हें क्रेडिट देते हैं जो ऑन कैमरा होते हैं। वाकई में ऑन कैमरा के होने वाले, ऑन कैमरा पे जो होते हैं उनके पीछे ऑफ़ कैमरा वालों की जो मेहनत होती है वो वाकई काबिले तारीफ़ होती है। खासकर पंकज सोनी जी जो कि आज से नहीं इंडस्ट्री में कई वर्षों से हैं और काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ही। बस तो प्यार मिलता रहेगा, हमेशा करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो हमारे साथ जुड़े बहुत अच्छा लगा हमें, और भी बहुत सारी भोजपुरी इंडस्ट्री की छुपी छुपी बातें निकाल कर आपको दिखाएंगे, और अगर देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ।